जिंदाबाद। समय आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे किस तरह से आप देख सकते हैं अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में भाजपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हुए बहुत से लोग इस समय नजर आ रहे हैं। एक एक कर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जो थानेसर विधानसभा से कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार हैं, बहुत से लोगों को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं ऑटो मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की ऑटो मार्केट में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से यहां पर स्वागत भी किया गया और बहुत से लोग जो है उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी के लिए जोरदार तालियां लगा दे। अशोक अरोड़ा जिंदाबाद, अशोक अरोड़ा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो तस्वीरें देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा में पहुंचे अशोक अरोड़ा का, यहां पर आप देख सकते हैं ऑटो यूनियन के तमाम लोगों की तरफ से स्वागत किया गया और बहुत से लोग आप देख सकते हैं इस समय उनकी अध्यक्षता में पार्टियां छोड़कर बीजेपी और दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में जोश और उत्साह देखा जा सकता है, लोगों में जोश और उत्साह देखा जा सकता है। ऑटो मार्केट में पहुंचे हैं अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? ऑटो मार्केट समर्थन देती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? ये सारे भाई ऑटो रिक्शा वाले और ब्रह्म सरोवर के दुकानदार भाइयों ने यहाँ बुला के समर्थन किया। हमारे ऑटो यूनियन के जो प्रधान है, पुराने प्रधान, नए प्रधान करतार सिंह, किनको बेका के कई बार दूसरे ले गए, आज इन सारों ने इकट्ठे होके कांग्रेस का समर्थन किया और निश्चित रूप से आज हवा चली हुई है कांग्रेस के पक्ष में। आज मैं अमीन गांव में गया, सबसे पहले सारे अमीन के ब्राह्मण समाज ने स्वागत किया, फिर सारे हमारे चवार भाइयों ने, उसके बाद वाल्मीकि भाइयों ने, प्रजापति भाइयों ने, यादव समाज ने, कश्यप समाज ने, सुनारों ने, रोड़ों ने, सब ने आज समर्थन कर दिया। एक तरफा चुनाव आज थानेसर का होता जा रहा है। 27 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे हैं, उनकी जनसभा है कहां पर और कितने बजे समय रखा गया है? वो 27 तारीख को 5 बजे सेक्टर 17 का जो ग्राउंड LIC का ऑफिस है उसके सामने। माहौल क्या देख रहे हैं, क्योंकि राज्य मंत्री हैं सुभाष सुधा, वो दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई भी कैंडिडेट होता है वो दावा करता है, परंतु ये तो 5 को वोट होगी 8 को पता लगेगा कौन जीतेगा, परंतु माहौल आज ये है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है ये दावा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कांग्रेस में शामिल हुए? कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद अशोक अरोड़ा जिंदाबाद। हमारे घर जैसे परिवार जैसे हैं और हम तो 10 साल से यही कामना कर रहे हैं कि हमारे अशोक अरोड़ा भाई जी मंत्री नहीं, डिप्टी CM या गृह मंत्री बनेंगे, ये हमें पूरा आश्वासन है। भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कांग्रेस की बनेगी और यहाँ से विधायक बनेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। भाई अशोक कुमार अरोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद अरोड़ा। क्या कहना चाहोगे जी? हम तो भाई साहब के साथ हैं बिल्कुल जी, हम तो 34 साल से मैं तो इनके साथ हूँ जी, जब बचपन से जब दुकान करते थे हम तब से इनके साथ लगा हुआ मैं तो जी। हम तो भाई अशोक ऑटो यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप देख सकते हैं इस समय यूनियन के तमाम लोगों की तरफ से अपना समर्थन भी दिया गया और इस समय आप लाइव वीडियो देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा से, जहां पर कांग्रेस के MLA उम्मीदवार अशोक अरोड़ा जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं उनको भारी समर्थन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कमल नेता करनाल ब्रेकिंग न्यूज कुरुक्षेत्र। हुड्डा के जीत के साथ ही आपके थानेसर विधानसभा की जीत, श्री अशोक अरोड़ा की जीत इतनी भारी मत से हो ताकि लोग मजबूर हो जाए देखने के लिए भी, थानेसर हल्के ने कमाल कर दिया। इस वोट के हवन में सभी शांति आहुति डाल दो, ये आपसे विनती है और रिक्वेस्ट है। एक वोट बहुत कीमती है। धन्यवाद, जय हिंद। जीत 50 से 60 हजार से होनी चाहिए, उसी के अनुसार अगर कोई भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद कोई मंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी बनेंगे। सभी जोरदार तालियां लगा दें। अब मैं निवेदन करूंगा सरदार गुरचरण सिंह जी से, आने वाले जो चंद दिन बचे हैं मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि 3 दिन से अरोड़ा साहब को चताएं और इनको वहां ले जाएं जहां तक कोई अभिज्ञान है।
जय हिंद। अशोक करोड़ा जिंदाबाद, करोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिंह हुड्डा जिंदाबाद। अब मैं श्री अशोक करोड़ा जी से वो आए मेरे साथ आए पार्टी के भाई सुनील नाना जी, भाई सुनील कक्कड़ जी, भाई राहुल कारना जी, कुलदीप जी, भाई प्रदीप जी, नरेंद्र जी, जगीर बाजवा जी, लक्कू जी, लक्की जी, रोड मार्केट के सभी दुकानदार भाई वो वाले सभी साथ आज आपके बीच में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपके भाई को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना सहयोग, समर्थन और वोट अपने भाई को देने का काम करें, उसको वोट का और आज जो सरकार बनती है वो आपकी वोट से सरकार के नुमाइंदे या सरकार वो आपके प्रति जवाबदेही, क्योंकि सरकार आपने बनाई है। पहले उत्पत्ति रजवाड़ा शाही, राजा का बेटे ही राजा बनता था, परंतु आज राजा आप बनाते हैं। लोकतंत्र ऋषि को कहते हैं कि लोगों की सरकार लोगों के लिए, पर जो सरकार चली वो लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र से थे। तो एक पत्रकार भाई मेरे से पूछने लगा कि आप भी आए हो और बीजेपी का उम्मीदवार भी वोट मांगने आया है। मैंने कहा यही तो प्रजातंत्र है कि जो कल तक व्यापारियों को चोर बताते थे ना, आज उनसे वोट मांगने आए। जो कल तक इस देश के किसान को आंदोलन जीवी बताते थे, जो इस देश के किसान के आंदोलन करने पे अपने कार्यकर्ताओं को लट उठाने के लिए कहते थे, आज वो किसान को अन्नदाता बता, आज उनको भी भाई बताते। आशा वर्करों को लाठियां से पीटता, आज ये कहते हैं हमारी बेटियां, इनका दौरा चरित्र होता है बीजेपी का। चुनाव में जाते हैं तो महंगाई कम करने के नाम पे वोट मांगते हैं, और वोट लेने के बाद फिर महंगाई को 3 गुना बढ़ाते, खर्चों के बीच में इतना ना जाने कितने ही आपके ऑटो के टायर पटे हो, कितने ऑटो वाले के एक्सीडेंट में लोग मरे हो, कितनी भी पाए धारे टूटी होंगी। आज हमारे लेकर कि मैंने 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए। मेरे पास चंडीगढ़ से मेरे मित्र आ गए, मैं उनके साथ से जब चुनाव चल रोड से निकल रहा था तो कहने लगे प्रधान जी सड़क आज खट्टे पड़े हैं। मैं क्या 5,000 करोड़ रुपए बचे, 5,000 करोड़ मेगे कितने ने एक किसी ने बजट तो चल पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा, महंगाई पड़ेगा। अरे एक बार मैं अखबार में पढ़ रहा था, कुरुक्षेत्र के जो चलान करने वाले हैं ना, वो कह रहे थे हमने 1 साल में 10 करोड़ के चलान कर लिए। 10 करोड़ किसके गए, सारे तो गए होंगे,